हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सिटी स्कैलेंस की एक और मजेदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, अभी तक अपनी सिटी कुछ इतनी बनी है, इधर को थोड़ा सा एरिया बनाया, थोड़ा एरिया हमने इधर को बनाया है। अभी यहाँ पर रोड मैप बन गया है, सिर्फ हमें अलॉट करना है, और इधर को ये सब पूरी पूरी फैक्ट्री बनी हुई है। और उसके बाद पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर बस का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, जो कि यहाँ पर हर जगह पर चलती है, इस पूरे एरिया में बस चलती है। यहाँ से लेके इस सेकंड वाले सिटी से भी कनेक्ट है बस, फैक्ट्री में जाने के लिए भी बस का कनेक्शन हमने कर दिया है। बाकी अभी अपनी सिटी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, अभी धीरे धीरे हम अपनी सिटी में काफी सारी चीजें ऐड करते जाएंगे। और गाइस, आज की वीडियो में तो बहुत ही ज्यादा मजेदार चीजें करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। और गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी अब चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस, पहली चीज तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सिटी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। अभी तक इधर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर को थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर वर्कर की नीड पड़ रही है। आई गेस यस, नॉट इनफ वर्कर यहाँ पर आ रहे हैं। वैसे वर्कर आने लग गए, यहाँ की प्रॉब्लम तो सही होगी, अभी यहाँ पर बढ़ते जा रही है। वैसे रेसिडेंशियल जोन का डिमांड आ रहा है धीरे धीरे। हमने यहाँ पर वैसे भी लेआउट बहुत ही ज्यादा बना रखा है, सिर्फ हमें अलॉट करना है और ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। बट इसको बनाने से पहले मैं एक चीज करने वाला हूँ, ये बाइक वाला पाथ बना रखा है, हम इस पूरे एरिया को ना एक अलग टाइप का जोन बना सकते हैं। काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि पेडेस्ट्रियन पाथ बनाओ और वहां पर एक सिटी बनाओ, तो आज हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे तो व्हीकल वगैरह आ सकती है, बट पेडेस्ट्रियन पाथ पे व्हीकल नहीं आती है, और मेरे पास आ चुका है पेडेस्ट्रियन पाथ। यहाँ पर देखो काफी सारे पेडेस्ट्रियन पाथ है। वैसे बहुत खर्चा हो जाता है भाई डीएलसी परचेज करने में, तो प्लीज यार लाइक कर देना, इस वीडियो पे तो ज्यादा लाइक आने ही चाहिए। तो चलो अभी हम यहाँ पर इस पूरे पाथ को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर पेडेस्ट्रियन में काफी सारे पाथ है, तो मैं कुछ अलग टाइप से बनाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये कॉबल स्टोन वाला पाथ हमें मिल जाता है, ये सैंड स्टोन वाला हमें पाथ मिल जाता है, और एक और मिलता है ब्लू स्टोन वाला। ये तीन पाथ हमें मिलते हैं, ये तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर देखोगे तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो ब्लू स्टोन वाला पाथ हो गया, और उसके बाद ये देखोगे तो ये स्टोन क्या बोलते हैं, सैंड स्टोन, या सैंड स्टोन वाला पाथ हो गया, और ये जो है कॉबल स्टोन वाला पाथ हो गया। मुझे इन तीनों में से ना ज़्यादा बेटर तो यही लगता है, कॉबल स्टोन वाला, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक सा लगता है। वैसे ये वाला भी अच्छा ही है, ये वाला भी अच्छा है, हम इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी कॉबल स्टोन वाले पाथ बनाता हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाथ का यूज कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टू लेन का रोड है, तो यहाँ पर हम स्मॉल वाले पाथ ही लगाएंगे, जैसे कि ये लगा सकते हैं, इसको एक बार अपग्रेड करूँ इसमें। ओके नाइस, ये देखने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम थोड़े बड़े वाले पाथ का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा बेटर लग रहा है देखने में। या तो हम इस वाले पाथ का भी यूज कर सकते हैं, इसमें ट्री लगे होते हैं, तो ट्री वगैरह रहेगा तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको ना मैं पूरा इसी में अपग्रेड करता हूँ, ये पूरा इसमें अपग्रेड हो जाएगा, इधर साइड को भी पूरा इसमें अपग्रेड हो जाएगा। ये करने से पहले मैं एक चीज और करने वाला हूँ, इस वाले में कोई भी व्हीकल नहीं आती है इमरजेंसी व्हीकल को छोड़ के, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, पुलिस की वैन हो गई, फायर वाली वैन हो गई, ये जो इमरजेंसी व्हीकल होती है वो आ सकती है, बाकी प्राइवेट व्हीकल यहाँ पर नहीं आ सकती है, और कोई भी टाइप की। तो हम यहाँ पर बस भी चलाएंगे, और बस के लिए भी हमें पाथ यहाँ पर मिलता है। कहाँ गया, अरे बस वाला भी पाथ मिलता है भाई, एक सेकेंड इसमें देखना पड़ेगा हमें। ये है ना, लार्ज कॉबल स्टोन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट बस ओनली लेन्स, इसी की बात कर रहे थे हम। और यहाँ पर हमें और भी चीजें मिलती है, जैसे कि हमें ट्रॉली वाला भी मिल जाता है, ट्राम वाला भी मिल जाता है, तो इनका भी यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें ये बस वाला चाहिए। ये वाला जो लेन है ना, इसमें पूरा बस चला सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया के लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की चीजें तो रहनी चाहिए ना। तो इसको मैं बस के लेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये पूरा हो जाएगा बस के लेन में कन्वर्ट। इसको लेके चलते हैं यहाँ से आगे तक, तो ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद इसको भी अपग्रेड कर दूँ, या तो इस वाले को, नहीं इस वाले को अपग्रेड करता हूँ ना, ये अब यहाँ से जाएगा इधर को, और उसके बाद ये इधर से आ जाएगा ये पूरा, और इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट होगा, इसके बाद इसको कर देंगे अपग्रेड। चलो ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब देखो इस वाले पाथ पे पूरी बस चलेगी, क्या सही हो जाएगा, लोगों को ट्रेवल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको भी फोर लेन कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा फोर लेन, ये भी हो जाए भाई, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ठीक है हो गया डन। और उसके बाद इधर साइड को ये वाला भी यहाँ पर फोर लेन हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके आई थिंक इसको नहीं करना चाहिए, हाँ ओके ओके ओके, गलत हो गया, इसको तो हम ऐसे ही बनाएंगे, तभी तो ये सब व्हीकल यहाँ से जा पाएंगी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, अभी सही कर देता हूँ। ओके अब ठीक है, यहाँ से लोग जा सकते हैं। फोर लेन में हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला रोड यहाँ से यहाँ तक, और इसको कर सकते हैं। ओके नाइस,
और ये जो बीच में बच रहे हैं इनको हम स्मॉल वाले पेडेस्ट्रियन में अपग्रेड कर देंगे, जैसे कि ये वाले में अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें ट्री भी लगे हुए हैं तो देखने में ये काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे। डन। एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको भी पूरा बना सकते हैं वैसे, ये वाला पूरा। अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ ये बस का पाथ और इसको भी पूरा अपग्रेड कर देता हूँ बस लेन में, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा एक बस लेन, ठीक है डन। और उसके बाद ये वाला जो है इसको फोर लेन कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक फोर लेन। और इसके बाद ये जो बीच में बच रहा है इनको हम कर देंगे टू लेन में, ये यहाँ से पूरा टू लेन हो जाएगा। ओके, काफी ज्यादा एरिया हो गया, लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इतने सारे लोगों का यहाँ पर घर रहेगा भाई, उनके पास अगर कोई गाड़ियां रहेंगी तो वो खड़ी कहाँ करेंगे भाई, वो तो लेके आ नहीं सकते। ये सीन है भाई, ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे चीज वर्क करता है, देखते हैं बनाने के बाद ही हमें समझ आएगा कि कैसे ये चीज वर्क करने वाला है। अभी तो हमने इतना ज्यादा एरिया बना दिया, अब हमें सिर्फ अलॉट करना है। उससे पहले मैं यहाँ का ट्री चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्री बहुत ही गंदा लगता है। मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा ट्री लगाने वाला हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सही लगता है देखने में, या तो हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है देखने में, ये कहाँ से आ गया भाई, या तो हम यहाँ पर इस वाले ट्री का यूज कर सकते हैं, ये वाला ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। चलो इसको लगाते हैं, ये पूरा हो जाएगा इधर को, ये पूरा इसमें अपग्रेड कर देंगे, अच्छा लगेगा कहीं देखने में, वैसे ठीक लग रहा है देखने में। पूरे पूरे पाथ को चलो इसी में अपग्रेड कर देते हैं। ओके डन। वैसे इधर को मैंने थोड़े अलग से ट्री प्लेस कर दिए, ये वाले ट्री मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, और यहाँ पर हाई डेंसिटी के रेसिडेंशियल जोन अलॉट करने वाला हूँ, ये पूरे एरिया में हाई डेंसिटी वाले बनेंगे। तो सबसे पहले इधर से बनाते चलते हैं, ये पूरा अलॉट कर देते हैं, इधर से ये पूरा अलॉट कर देते हैं, और उसके बाद ये वाला भी पूरा रेसिडेंस के लिए अलॉट कर देंगे, ये वाले एरिया में ना कमर्शियल के लिए अलॉट कर देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और इधर को इसमें पूरा कमर्शियल, और ये पूरा रेसिडेंस ही रहेगा। चलो फटाफट से यहाँ पर सिटी को स्पीड करते हैं, जिससे कि थोड़ा तेजी से यहाँ पर बिल्ड हो। वैसे अभी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है, इतने में तो पूरा पूरा काम हो जाएगा, अभी देखना है कि यहाँ पर कैसी टाइप की बिल्डिंग बनती है। ओके, यहाँ पर पहली यहाँ की बिल्डिंग बन रही है, और ये हाई डेंसिटी वाली बन रही है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वैसे बननी चाहिए। अभी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं बनेंगी, क्योंकि अभी ये लेवल 1 की बिल्डिंग होने वाली है, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये बिल्डिंग और भी ज्यादा अच्छी होते जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बन तो रहे हैं, काफी तेजी से काम हो रहा है। इधर को देखोगे तो कमर्शियल जोन भी बनने लग गए हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे हिसाब से, कमर्शियल तो नहीं चल सकते यहाँ पर। ओ नॉट इन पेडेस्ट्रियन एरिया। तो गाइस मैं पहली बार ये पेडेस्ट्रियन वाली चीज बना रहा हूँ ना, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर देखा कि ये चीज आ गया है, ये हम पेंट कर सकते हैं, और मैं वहां पर पेंट करके कब से ढूंढ रहा हूँ कि हम यहाँ पर कैसे इसको अलॉट कर सकते हैं पेडेस्ट्रियन के लिए। तो अभी यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो हमें इसमें इसको पेंट करना पड़ेगा, ये जितना भी एरिया है। तो अब मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सही हो जानी चाहिए, लेकिन अब कुछ दिक्कत आ गया, ये वाला सीन आ गया। ओ ओके, तो ये सब सीन भी है, अब समझा। यहाँ पर देखो गार्बेज वाली कोई भी सर्विस नहीं है, मतलब कि हमें सर्विस वगैरह बनानी पड़ती है पेडेस्ट्रियन एरिया। ओके 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 ओके, नाइस, अब समझा। आज ही मैंने डीएलसी परचेज किया, तो भाई मुझे कोई आइडिया ही नहीं था यार कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें होने वाली हैं। ये आगे हम पेडेस्ट्रियन एरिया में, और ये रही सारी चीजें जो हम यहाँ पर पहले बिल्ड करेंगे, उसके बाद ही ये एरिया अच्छे से चल सकता है। तो सबसे पहली चीज हम लगाएंगे यहाँ पर स्मॉल पेडेस्ट्रियन एरिया सर्विस पॉइंट, या तो लार्ज लगा सकते हैं, तो हम लार्ज वाला लगाएंगे, लार्ज पेडेस्ट्रियन एरिया सर्विस पॉइंट। इसको हम लगाएंगे किधर को, यहाँ पर लगा दो इस बीच वाले एरिया में। कैन नॉट बी प्लेस ऑन द रोड साइड, है जी रोड साइड किधर है, अच्छा इधर को प्लेस कर सकते हैं, इधर को कहीं पर नहीं प्लेस कर सकता, अच्छा इसमें प्लेस कर सकता हूँ ना, तो इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर इस बीच वाले जगह में। और उसके बाद यहाँ पर स्मॉल कार्गो सर्विस पॉइंट, ये भी प्लेस करते हैं, तो इसको हम प्लेस कर देते हैं इधर कहीं पर, यहाँ पर तो नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है लार्ज कार्गो सर्विस पॉइंट, ये स्मॉल वाला लगा दिया क्या, ये स्मॉल लगाना नहीं चाहिए था मुझे, लार्ज वाला ही डायरेक्ट लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक लार्ज वाला भी लगा देता हूँ, स्मॉल वाला लार्ज वाला दोनों रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो लार्ज वाले को हम यहाँ पर लगा देते हैं इस वाले जगह पर। उसके बाद यहाँ पर हम गार्बेज का भी लगाएंगे, गार्बेज के लिए हम लार्ज गार्बेज सर्विस पॉइंट लगाएंगे, और इसको हम लगाएंगे इस वाले जगह पर। चलो ठीक है, और कुछ बचा नहीं ना, चलो सारी चीजें लगा दिया,
अब तो सारी चीजें फिक्स हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओ नाइस, ये देखो गाइस सारी चीजें अब अच्छे से वर्क करने लग गई। चलो ठीक है, आज कुछ नया जानने को मिला भाई। अभी यहाँ पर फैक्ट्री का डिमांड ज्यादा बढ़ते जा रहा है और अब मैं ये वाली फैक्ट्री नहीं बनाने वाला हूँ। ये जो फैक्ट्री है ना, बस बहुत हो गई, इसको वैसे भी हम यहाँ से हटाएंगे। अब हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे इन सब फैक्ट्री में से कोई एक, जैसे कि हम फॉरेस्ट इंडस्ट्री लगा सकते हैं, या तो फार्मिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ओर इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री। पहले ऑयल इंडस्ट्री वाला काम करेंगे, उसके बाद और, फिर फार्मिंग, फिर फॉरेस्ट। भाई कहीं पर ऑयल नहीं है, सिर्फ पानी में ऑयल है, ये क्या बात है भाई। तो हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से पेंट कर सकते हैं कहीं पर भी, जहां पर भी हम बनाना चाहें। तो यहाँ पर मैं पेंट कर देता हूँ, ये पूरा एरिया पेंट कर देता हूँ ऑयल के लिए। चलो सही है, इतना एरिया बहुत ज्यादा है। पहले यहाँ से थोड़े से ट्री भी हटा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फटाफट से रोड लेआउट बना लेते हैं जहां पर कि हम ऑयल इंडस्ट्री बनाने वाले हैं। तो चलो भाई रोड लेआउट बना के उसके बाद मिलता हूँ। ओके गाइस डन, यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा लेआउट बना दिया, और जरूरत पड़ेगी हमें तो हम इसको और आगे तक ला सकते हैं, इधर को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी मुझे इसको पेंट करना पड़ेगा ऑयल इंडस्ट्री के लिए। तो ये रहा पेंट इंडस्ट्री एरिया, इसको मैं फटाफट से पेंट कर देता हूँ। इतने एरिया में आ जाएगा अपना ऑयल इंडस्ट्री। सबसे पहले तो ऑयल इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग लगाएंगे, मेन बिल्डिंग आ जाएगा अपना यहाँ पर, और दूसरी चीज यहाँ पर लगाएंगे वर्कर के बैरक्स वगैरह वाले जगह पर। और उसके बाद ये मेंटेनेंस बिल्डिंग लगानी होती है, तो मेंटेनेंस बिल्डिंग को लगा देता हूँ इस वाले जगह पर। यहाँ पर जितनी भी सर्विस वाली चीजें होती है वो सब लग गया। स्मॉल वाले ऑयल पंप लगाऊं या तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ सीधे लार्ज वाले लगाता हूँ, स्मॉल वाले का जरूरत ही क्या है। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं लार्ज वाले ऑयल पंप लगाना। एक लार्ज वाला ऑयल पंप यहाँ पर हो जाएगा, एक इधर को हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इधर को लगा देंगे, एक दो तीन यहाँ पर हो गए, दो तीन इधर साइड को लगा देता हूँ। एक ही साइड को नहीं लगाऊंगा, नहीं तो वो फिर प्रॉब्लम देने लग जाएगा। तो एक यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर। ऑयल पंप के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं लार्ज वाला ऑयल ड्रिलिंग रिग। तो ड्रिलिंग रिग को मैं लगाता हूँ इधर को, एक आ जाएगा यहाँ, एक आ जाएगा इधर को, दो ड्रिलिंग रिग हो गए। इधर को भी लगा सकते हैं एक यहाँ पर। पहले तो वेस्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जरूरी चीज़ है। तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पर, क्रूड ऑयल टैंक फार्म लगाएंगे, तो ये भी लगा देते हैं इधर साइड को। ये आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद लार्ज वाला लगा देता हूँ। एक स्मॉल वाला तो लग गया, एक लार्ज वाला लगा देते हैं। उसके लिए जगह ही नहीं है, इस वाले जगह पर आ जाएगा ना, यस यहाँ पर आ जाएगा, नाइस। और स्टोरेज लगाना पड़ेगा, तो स्टोरेज लगा देते हैं। स्टोरेज तो दो तीन लगा देता हूँ, एक यहाँ पर, एक लगाता हूँ इधर साइड को, एक लगाता हूँ इधर को। इसको दूर दूर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको पास में लगा दूंगा ना तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगा एक ही जगह पर। तो ये ऑयल इंडस्ट्री में काम चालू हो गया है। अभी तो ये लेवल 1 का है, लेवल 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 स्टार तक ये जाता है। तो अभी बस इतना ही रहने देता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखोगे ना डिमांड तो आ रखा है। डिमांड आ रखा है ना, तो हम थोड़े से ऑफिस वगैरह बना सकते हैं। वैसे मैंने अपनी सिटी में हाई स्कूल बनाया है कि नहीं, हाई स्कूल तो शायद से बनाया है ना। ये क्या है, हाई कैपेसिटी एलिमेंट्री स्कूल,
ओ भाई साहब ये कब आया? वेट, ये डीएलसी में आया है क्या, न्यू वाले? ओके, ये जो प्लाजा वाली डीएलसी है ना, उसमें ये चीज मिला है अपने को। भाई ये एलिमेंट्री स्कूल क्या खतरनाक लग रहा है यार। इसको लगाते हैं ना, इसको एक प्लेस करता हूँ इस वाले जगह पर। ओ भाई ये देखो गाइस, ये वाले एलिमेंट्री स्कूल तो काफी ज्यादा बड़ी है यार। अपनी जो बेसिक एलिमेंट्री स्कूल है वो तो इतू सा होता है, छोटू सा। ये देख रहे हो कितना बड़ा है, और इसका डिजाइन देख रहे हो क्या कूल लग रहा है देखने में। ये बढ़िया चीज मिला अपने को। ओ हाई स्कूल भी है हमारे पास। हाई स्कूल का डिजाइन तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल वाला है यार। इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ ना, अपने पेडेस्टियन सिटी में। ये जो पेडेस्टियन सिटी है, यहाँ पर ये सारी चीजें रहनी चाहिए। हाई स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल को तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है, ये पाथ लेना है, इसको यहाँ से सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ओके सही है। और इस वाले जगह पर अब हमें प्लेस कर देना है। हाई स्कूल आ जाएगा यहाँ पर, और एलिमेंट्री स्कूल आ जाएगा इसके बाजू में यहाँ पर, ऐसे। डन। यूनिवर्सिटी भी हाई कैपेसिटी वाला, एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बना दूँ क्या? वैसे यहाँ पर हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो वेट, इन दोनों को इस साइड को भेजो, ये यहाँ पर आए, ये यहाँ पर आ जाए। ओके, और एक चीज और करता हूँ, ये सेम रोड यहाँ से फिर से लेके आता हूँ यहाँ तक, और यूनिवर्सिटी को लगाते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, वैसे कूल लग रहा है देखने में। यहाँ पर दो रोड इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो जाएगा। जितना भी अलॉट किया था ना, पूरा कंप्लीट हो चुका है देखोगे। वैसे एक चीज और चेक करना है कि क्या पेडेस्ट्रियन वाले एरिया में हम ऑफिस बना सकते हैं या नहीं, ये चीज भी मुझे चेक करना है। यहाँ पर अलॉट करता हूँ अभी के लिए, इस वाले पूरे एरिया में ऑफिस के लिए। देखते हैं यहाँ पर ऑफिस बनता है या नहीं। मेरे हिसाब से ऑफिस तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भाई ऑफिस पैदल कौन आता है यार। देखते हैं क्या होता है, बन जाएगा तो मजे ही आ जाएंगे। अभी तक तो कोई भी बिल्डिंग नहीं बना, नहीं बनता है क्या? शायद नहीं बनता है। ओ बन रहा है, लेकिन ये इस वाले रोड पे बन रहा है क्या? इधर को भी बनेगा? ओके, तो हम ऑफिस भी बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो भाई ये तो बहुत कूल चीज है यार। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है, सबसे पहले तो इन सबको बंद करता हूँ। जितना भी यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है ना, सबको बंद करता हूँ। इसकी वजह से सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। ऑफिस बन रहा है भाई, बड़ी बड़ी ऑफिस यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर ये जो पार्किंग बन रहा है, ये किस काम में आएगा जब यहाँ पर कोई भी व्हीकल आएगी ही नहीं। तो इस वाले पार्किंग में देखोगे तो काफी सारे व्हीकल खड़ी हो गई है। यहाँ पर मैं पार्किंग बनाता हूँ इस पूरे रोड के साइड साइड में, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, सेम इधर को भी, एक यहाँ पर। इस वाले ऑफिस को हटा के एक पार्किंग यहाँ पर, एक छोटी वाली बीच में। ओके, इस वाले रोड पे पार्किंग भी रहता है क्या? इस वाले रोड पे कब पार्किंग आ गया भाई? ओ अच्छा, इस वाले रोड पे भी पार्किंग का सीन है। वैसे हम इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर इतना सारा पार्किंग बना दिया, यहाँ पर वर्कर की नीड पड़ रही है, नॉट इनफ एजुकेटेड वर्कर। अब भी ला के देते हैं यहाँ पर, हमने यूनिवर्सिटी भी ओपन कर दिया है, तो कोई पढ़ने नहीं आ रहा क्या भाई? क्या कर रहे हो सिटी वालों, पढ़ने आओ यार। वैसे काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर देखोगे तो पढ़ने आ रहे हैं। इसको यहाँ से बीच से कनेक्ट कर दूँ क्या? कर सकते हैं वैसे, यहाँ से यहाँ पर ऐसे। ओह नाइस, ये ट्री भी चेंज कर देते हैं, और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। ये लगा सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े हो गए। ये चलेगा यहाँ पर, सुगर मैपल, ये बढ़िया लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर गार्बेज का इतना इशू कैसे हो गया भाई? गार्बेज के लिए इंसनरेशन प्लांट कम पड़ गए क्या? ओ गार्बेज प्रोसेसिंग स्टेटस देख रहे हो कितना रेड में चला गया। अब भी ठीक करके देता हूँ अभी के लिए ना, इधर को प्लेस करता हूँ इस वाले जगह पर, दो यहाँ पर। इसको ना इधर कहीं साइड में बाद में प्लेस करेंगे, जब इधर को रोड मैप बनाएंगे ना, तो इसको इधर साइड में कहीं पर कर देंगे। और प्लेस करते हैं इधर को यहाँ पर अभी के लिए। अब ये जो गार्बेज वाला इशू है वो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बार को मैं देखता हूँ ना पेडेस्ट्रियन वाले में और क्या क्या चीजें हैं। ये रहा पेडेस्ट्रियन एरिया, यहाँ पर जितनी सारी चीजें थी वो तो हमने प्लेस कर दिया। और भी कुछ चीजें हैं क्या? पेडेस्ट्रियन एरिया प्लाजा, इतनी सारी चीजें मिली है। स्मॉल फाउंटेन प्लाजा, इसको लगाते हैं ना, एक प्लाजा लगाते हैं यहाँ पर। स्मॉल ग्लास रूफ प्लाजा, ये भी बढ़िया लग रहा है भाई, ये तो तगड़ा लग रहा है यार। ये क्या रोड के बीच में बनता है? इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं? वेट, देखता हूँ ये कैसे लगता है। ओ नाइस, ये तो बहुत ही सही चीज मिल गया। और क्या क्या चीजें है भाई, सबका यूज किया जाए।
और स्मॉल फाउंटेन प्लाजा ये तो लगा दिया, स्मॉल आइसक्रीम स्टैंड ये भी लगाते हैं, आइसक्रीम स्टैंड को लगाएंगे इधर साइड को, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं बनाएंगे, ये लग जाएगा यहाँ पर, एक आइसक्रीम स्टैंड लगा देंगे हम इधर साइड को, जैसे कि यहाँ पर एक आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर और क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर है स्टैचू प्लाजा, ठीक है, ये चीज़ हम लगाएंगे इधर को, इस वाले जगह पर, ऐसे यहाँ पर लार्ज फूड ट्रक प्लाजा, ओके इसको हम लगाते हैं इस वाले जगह पर, ये कैसे लगता है भाई, ये भी रोड के आर पार लग रहा है, ये क्या सीन है, ओके तो आधा इधर को आधा इधर को, और क्या आता है इसमें, और ये है लार्ज आइसक्रीम स्टैंड प्लाजा, ओ आइसक्रीम वाला भी है, इसको यहाँ पर लगाते हैं इस वाले जगह पर, कुछ चीजें तो इधर को भी लगाएंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले एरिया में, एक यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, और ये है फ्लावर प्लाजा, फ्लावर प्लाजा को लगा देंगे यहाँ पर इस वाले जगह पर, और यहाँ पर कुछ चीज़ें और लगाएंगे, जैसे कि ये एक लगाएंगे यहाँ पर, और स्मॉल वाला आइसक्रीम प्लाजा लगाएंगे। क्या हम इस एरिया में पार्क प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं पार्क प्लेस करूँ तो आ जाएगा, ओ पार्क आ रहा है यहाँ पर, एक पार्क मैं इधर को ऐसे प्लेस कर देता हूँ, एक बोटैनिकल गार्डन प्लेस कर देते हैं, इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा इस वाले जगह पर, यहाँ से पाथ बनाता हूँ, ये आएगा यहाँ, और इसको कर देंगे कनेक्ट यहाँ पर, तो अब इधर से डायरेक्ट लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जिनको भी पैदल चल के आना रहेगा वो यहाँ पर आ जाएंगे, और सेम चीज़ हम इधर को भी ऐड कर सकते हैं, एक पाथ यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिमांड और भी ज़्यादा आ चुका है, तो एक काम करते हैं, डिमांड अगर आया है तो हम इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, इधर को और भी एरिया हम अलॉट कर देते हैं हाई डेंसिटी के लिए, हाई डेंसिटी बनाऊँ या अब लो डेंसिटी बनाऊँ, वैसे हाई डेंसिटी ही बनाते हैं, तो ये पूरा एरिया अलॉट करते हैं, यहाँ पर हाई डेंसिटी का बन जाएगा रेजिडेंशियल जोन, थोड़े से इधर को बन जाएंगे यहाँ पर ऐसे, उसके बाद इधर को भी थोड़े अलॉट हो जाते हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर पूरा अलॉट करके कंप्लीट करता हूँ। चलो डन, यहाँ पर अलॉट कर दिया ऑफिस के लिए, इधर को अलॉट कर दिया रेसिडेंस के लिए, और ये अलॉट कर दिया कमर्शियल के लिए, तो सारी चीज़ों के लिए मैंने अलॉट कर दिया है, अब फटाफट से यह कंप्लीट हो, उसके बाद देखना गाइस ये कितना क्रेजी लगने वाला है। वैसे ना थोड़े बहुत और चीज़ों की तो ज़रूरत यहाँ पर पड़ता ही होगा ना, जैसे कि हेल्थ की और भी फैसिलिटीज़, एल्डर केयर और नॉर्मल मेडिकल क्लिनिक, ओ ये सब तो बनाया ही नहीं, ये कौन बनाएगा भाई, वेट ये सब भी करना पड़ेगा हमें, मेडिकल क्लिनिक को लगाता हूँ एक यहाँ पर, और भी मेडिकल क्लिनिक चाहिए तो एक आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद इल्डर हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें तो बनाना पड़ेगा, इल्डर हेल्थ केयर को बना देते हैं यहाँ पर, चाइल्ड हेल्थ केयर को बना देते हैं इस वाले जगह पर, तो ये पूरे एरिया को कवर कर लेगा, और यहाँ की बिल्डिंग जो है ना अब बहुत तेज़ी से अपग्रेड होने वाली है, चाइल्ड हेल्थ केयर बना दिया, और ये क्या है हाई कैपेसिटी हॉस्पिटल, पेडेस्ट्रियन वाले में हॉस्पिटल भी आता है, तो ये लगाते हैं ना हाई कैपेसिटी हॉस्पिटल, इसको हम लगाएंगे इसी वाले जगह पर, यहाँ पर हॉस्पिटल बन जाएगा, यहाँ पर बना दूँ, हाँ इस बस वाले लेन में हॉस्पिटल रहेगा, इधर को बस का स्टॉप बना देंगे, जिनको भी हॉस्पिटल आना रहेगा सीधा हॉस्पिटल पे बस से आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही जगह पर हमने बनाया है भाई, ये हॉस्पिटल कितना ज़्यादा सही लग रहा है देखने में, वो जो नॉर्मल वाले हमारे पास हॉस्पिटल पड़े हुए हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा बेटर ही है भाई। यहाँ पर आग लग गया, अरे यार आग लग गया यहाँ पर, फायर वाला फैसिलिटीज़ तो हमने लगाया ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा फायर हाउस, फायर हाउस को मैं किधर को लगाऊं, इधर को लगा दूं फायर हाउस, ओ हाई कैपेसिटी फायर स्टेशन पेडेस्ट्रियन वाले एरिया के लिए, इसको हम कहाँ पर लगाएं, इसको यहाँ पर लगा सकते हैं इस वाले जगह पर, नहीं तो यहाँ पर लगा सकते हैं इस वाले जगह पर, चलो डन, ये देखो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, इधर का नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं है, ये लो एक और बना देते हैं, अब कवर हो जाएगा, हो गया, और कुछ रह जाता है पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है फिर तो, पुलिस हेडक्वार्टर भी हमारे पास पड़ा है, तो इसको भी लगाते हैं, ये लगाएंगे हम इधर को इस वाले जगह पर, ठीक है। अब हमें ट्रांसपोर्ट की चीज़ें यहाँ पर करना है, ट्रांसपोर्ट में ये क्या है, कॉम्पैक्ट बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन को यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये यहाँ से बस वगैरह जाएंगे क्या, बस चलाने के लिए सिर्फ लाइन क्रिएट करना है, तो अगर हम यहाँ से एक बस लाइन क्रिएट करें इसको लेके चले हम, तो एक स्टॉप जैसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ,
उसके बाद एक स्टॉप मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आगे से आके एक स्टॉप मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एक यहाँ पर, एक स्टॉप यहाँ, उसके बाद एक स्टॉप यहाँ पर, फिर उसके बाद एक स्टॉप ऐड कर देंगे इधर को, इसको सीधा लेके आएंगे इधर यहाँ, अरे गलत हो गया, ये यहाँ पर ऐड करेंगे, और उसके बाद ये आ जाएगा इधर को एक स्टॉप, ये जिनको भी हॉस्पिटल आना रहेगा वो आ सकते हैं, और एक स्टॉप यहाँ पर, और इसको कर देंगे यहाँ पर कंप्लीट। ओ नाइस, वेट 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 वेट, रुको रुको, और भी स्टॉप बनाता हूँ, मतलब और भी लाइन क्रिएट करता हूँ, एक लाइन और बनाएंगे, और ये वाला जो लाइन है यहाँ से निकलेगा इस वाले एरिया में जाएगा। ओके डन, मैंने दोनों बस लाइन को सही से कर दिया, एक बस लाइन इस वाले पूरे एरिया को कनेक्ट कर रहा है और एक जो है इस वाले को, दो बस यहाँ पर चलने वाला है। यहाँ से पहले मैं बस भी चेंज कर देता हूँ कि कौन कौन सी बस चलने वाली है। यहाँ पर 30 की कैपेसिटी वाली बस चल रही है, इसको मैं चला देता हूँ 25 वाला, या थोड़ा हाई कैपेसिटी वाला चलाए, यहाँ पर हम 80 वाला भी चला सकते हैं, थोड़ा जो दिखने में अच्छी लगे ना वो चलाते हैं। मिनी बस चलाएं क्या यहाँ पर? वैसे मिनी बस चला सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसको मिनी बस ही चलाता हूँ, इसको मिनी बस चला देता हूँ, और इस वाले को मैं चला देता हूँ, इसको ये 25 वाला चलाता हूँ, देखते हैं ये कैसी बस निकलती है। हर जगह पे अलग अलग टाइप की बस चलाना चाहिए, अब इनका देखना है कि ये कैसे निकलते हैं। चलो भैया जी निकलो यार, वैसे यहाँ से तो नहीं निकलेंगे, वो तो बस डिपो से आएंगे, और बस डिपो हमारा है यहाँ पर, यहाँ से निकल रहे हैं। ओके ये देखो गाइस कितने छोटे छोटे बस है, वैसे अच्छे लग रहे हैं देखने में, ये वाली मिनी वाली तो कुछ ज़्यादा ही छोटी है भाई, कुछ ज़्यादा मिनी हो गया, ये वाला तो चलेगा, ये वाला ठीक लग रहा है देखने में, ये वाला तो ऐसा लग रहा है एम्बुलेंस है भाई। चलो कोई ना, हम वहाँ पर यही चलाएंगे। 16,000 का पॉपुलेशन हो गया अपने सिटी का, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक होने लग गया। ओ भाई साहब इतना ट्रैफिक, ओके तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा भाई। चलो एक काम करता हूँ, इसका कुछ करता हूँ, इसको फिक्स करते हैं।
ओके गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर काफी कुछ चेंज कर दिया। सबसे पहला चेंज तो हमने किया है यहाँ पर, यहाँ से एक अंडरग्राउंड वन वे रोड बना दिया जो कि यहाँ पर कनेक्ट होता है। इधर से जिन लोगों को सीधे आना रहेगा वो राउंड अबाउट पे नहीं जाएंगे, वो नीचे से आराम से इधर को चले जाएंगे, तो इस राउंड अबाउट पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होगा। वैसे सेम ही इधर से जिनको भी सीधे आना रहेगा वो इजिली ये रास्ता लेके यहाँ पर चले आएंगे, राउंड अबाउट पर उनका कोई लफड़ा नहीं रहेगा। और सेम वो चीज़ यहाँ पर भी हो गया है, और यहाँ पर भी मैंने वही सेम चीज किया है, ये राउंड अबाउट से एक वन वे कनेक्ट कर दिया है जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है। जिनको भी फैक्ट्री वाले एरिया में जाना रहेगा वो डायरेक्ट इस वाले रोड का यूज करके यहाँ पर आ जाएंगे, इधर को थोड़ा ट्रैफिक कम करेंगे, और इधर से आने वाले भी इधर को आ सकते हैं। वैसे ये इधर को आ सकते हैं, बाकी यहाँ पर ना काफी सारे लोग आ रहे थे, ये देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, तो ये लोग जब यहाँ से क्रॉस हो रहे थे तो यहाँ पर ट्रैफिक हो जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर पेडेस्ट्रियन वाला टनल भी बना दिया। ये देखो लोग यहाँ से जा रहे हैं, भाई इसके आगे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो ये भी कूल लग रहा है वैसे देखने में। बाकी अपना ये जो पेडेस्ट्रियन वाला एरिया है ना, क्या क्रेजी बन गया भाई, कितने सारे लोग हैं, ये क्या है भाई, मैंने ये तो अभी देखा, ये मधुमक्खी जैसे क्यों चल रहे हैं भाई। ये देखो गाइस कितने सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वैसे ये मार्केट वाला एरिया है इसलिए यहाँ पर काफी सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से कुछ लोग पैदल। वेट 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 वेट, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, ओ भाई ये देखो गाइस कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और अभी मुझे यहाँ पर ना पुलिस का वैन दिखा है, मतलब कि पुलिस की गाड़ियां तो इधर को आती हैं, बाकी जो भी इमरजेंसी व्हीकल है वो तो आती है। ये देखो एक और पुलिस की वैन है ना, तो मतलब पुलिस वाली गाड़ी तो इधर को पेट्रोलिंग करेगा क्योंकि भाई चोरी वगैरह होते रहता है सिटी में, तो ये लोग तो चाहिए ही चाहिए। ये सब कौन सी वैन है, ओ बस है भाई, ये बस देखो कितना कूल लग रहा है देखने में। यहाँ पर एक क्लिनिक बना हुआ है, जिनको भाई इलाज करवाना है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये वाला रोड तो बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है, जगह जगह पर बस का स्टॉप बना हुआ है जहाँ पर की बस आके रुकती है, जैसे कि एक स्टॉप यहाँ पर है अभी, ये देखो बस आ रहा है और ये आके अब यहाँ पर रुकेगा। यहाँ पर काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं बस का, वेट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर स्टॉप है ये तो यहीं पर रुक गया। चलो बस का यूज भी लोग कर रहे हैं, इस बस का नंबर है 438। और रेजिडेंशियल जोन भी काफी सही लग रहे हैं देखने में, प्लाजा वगैरह काफी सारे बना दिया है, इधर को भी प्लाजा वगैरह है जहाँ पर कि थोड़े बहुत लोग आके चिल कर रहे हैं। इधर को काफी सारे लोग हैं, इधर को पार्क में भी काफी सारे लोग हैं, ये तो वैसे डॉग पार्क है तो जिनको भी डॉग को अपने घुमाना रहता है वो इधर को चले आते हैं। बाकी इधर साइड को भी कुछ प्लाजा वगैरह लगे हुए थे, जैसे कि एक प्लाजा यहाँ पर है, ये शायद से आइसक्रीम प्लाजा है। यहाँ पर इस पूरे पेडेस्ट्रियन वाले एरिया के लिए एक छोटा सा एजुकेशन हब बना दिया है, जहाँ पर कि एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी और थोड़े बहुत प्लाजा वगैरह लगा दिए हैं। यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत भीड़ लगी हुई है भाई, हाई स्कूल में तो कुछ ज्यादा ही लोग पढ़ने आ रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। और गाइस एक बार ये बस से व्यू देखो यार, कितना ज्यादा ऑसम व्यू लग रहा है, ये क्या है स्टेट सिटी, ये क्या चीज है, ये कोई बिल्डिंग है या कोई कमर्शियल वाली बिल्डिंग है, इधर को पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है ना, तो वही होने वाला है भाई। एक बार ये लुक देखो यार, क्या ही लग रहा है गाइस, ऊपर साइड से देखने में तो कुछ पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था सिर्फ घनी बस्ती है ना, अब देखो ये कितना कूल लग रहा है देखने में, क्रेजी लग रहा है गाइस। तो चलो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
हैं।